नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपना बेहद ही ख्याल रख रहे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। बोर्ड एग्जामिनेशन लगातार पास आ रहे हैं। आज इस बहुत छोटी सी वीडियो में, जिसे आखिर तक ज़रूर देखें और शेयर ज़रूर करें और अच्छा लगे तो लाइक करें, हम स्टडी करेंगे लेसन नंबर 1 क्लास 12th द लास्ट लेसन की समरी, जो कई सवालों का जवाब हो सकती है। आइए शुरू करते हैं। राइटर हैं अल्फोंसे डॉडिट। द राइटर लेखक अल्फोंसे डॉडिट हैज प्रेजेंटेड, ने प्रस्तुत किया है अ वेरी इमोशनल स्टोरी, एक बहुत ही भावुक कथा को, ऑफ अ वेरी सीनियर टीचर, एक बहुत अनुभवी अध्यापक की, इनका नाम मिस्टर हैमिल, इन अ वेरी क्लासिक मैनर, एक बहुत ही शास्त्रीय अंदाज से। ही हैज़ वर्कड, उन्होंने काम किया है, इन एन ओल्ड स्कूल, एक पुराने स्कूल में, फॉर 40 ईयर्स, 40 वर्षों तक। वन डे, एक दिन, एन ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से एक आदेश, रिसीव मीन्स प्राप्त हुआ, दैट की ओनली जर्मन, केवल जर्मन भाषा विल बी टॉट, पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल, विद्यालय में, ऑफ कहाँ, एल्सेस एंड लॉरिन, दो शहर हैं फ्रांस के। दिस ऑर्डर हैज़ टर्न्ड हिज लाइफ, इस आदेश ने उनका जीवन बदल दिया। व्हेन ही कम्स टू द स्कूल, जब वे विद्यालय आते हैं, फॉर द लास्ट टाइम, आखिरी बार, अर्थात लास्ट लेसन लेने, ही इज़ वेरी सैड एंड इमोशनल, बहुत दुखी होते हैं और भावुक होते हैं। वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स, उनके छात्रों में से एक, जो इस कहानी का नरेटर है, फ्रांस, हु हैज़ नेवर टेकन केयर ऑफ हिज लेसन्स, जिसने कभी भी उनके पाठों को ध्यान नहीं दिया, थिंक्स, उस दिन सोचता है, दैट फ्रेंच इज वेरी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज दैट डे, कि फ्रांस, जो फ्रेंच है, वो एक बहुत ही मज़ेदार या रोचक भाषा है, जिस पर उसने पहले कभी ध्यान नहीं दिया। इन द एंड, अंत में, मिस्टर हैमिल राइट्स ऑन द बोर्ड, बोर्ड पर लिखते हैं, वाई वे ले फ्रेंस, फ्रांस जिंदाबाद। या जैसे हमने सुना है, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, यही बात कही मिस्टर हैमिल ने, कि फ्रांस हमेशा से जिंदाबाद रहेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और ये तरीका अच्छा लगा हो, ये मेथड पसंद आया हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।